जो मीडिया के माध्यम से यहाँ पर जल संकट को एक जाति संकट माना गया, हम चैनल वाला को बुरी बुरी निंदा करते हैं, विभिन्न चैनलों की एक छोटी सी बात को, एक दो आदमी के बात को पूरा एक जाति बदलाया। हमारे के जो नावाड़ी गांव आज श्री प्रखंड के रहा है, ये गाँव टा एक पेयजल व्यवस्था के लिए कहन माने कुछ या भेदभाव के जे यहाँ लागल इल्जाम लागल। आज हमरे के पूरा सिली विधानसभा, हमरे पंचायत का पूरा विधानसभा, पूरा रांची जिला महान हमरे के एक अभाव फैल गया, एक झूठ मूठ पर दौरा करके गला कला के हम लोग फल्ला जगह दौरा किए हैं। ओकरे यूट्यूब पेपर ये सब गला ओकरे छोड़ देते गला अपन राजनीति पानी के समस्या है नहीं और जमीन टोटी रास्ता घाट के हमरे तरह तकलीफ है। डॉक्टर उठेला नहीं, समय रखेला तो जाएला नहीं, रास्ता खराब है तो हरे के और पानी के हमरे समस्या है। सब लोग तो जैसे हमारे पानी के तकलीफ है, पानी को हमरा करो तकलीफे आ ही सन हमरा कुछ चटानी आई तो चटानी हम आए हैं सिंधी विधानसभा क्षेत्र का अड़ाल नवाड़ी, जहाँ ये जगह अभी कुछ दिनों से चर्चे में थी। और मैं बता दूं कि यहाँ पर चर्चा इसलिए कि यहाँ पर कुछ छुआछूत का मामला को लेकर ये चर्चा का विषय बन गया था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है। समस्या को लेकर मैंने यहाँ पर आपको मैं आपको बताऊंगा समस्या यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर पानी की समस्या काफ़ी विकराल है। पानी की समस्या की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी नाराज हैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से। इस वजह से कुछ ना कुछ इनके मुंह से निकल जाते हैं। और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी की समस्या आज विकराल रूप ले चुका है। लेकिन आज जैसे ही अभी निजी काम से यहाँ के स्थानीय विधायक बाहर में थे, तो ये जैसे ही यहाँ पर आए तो यहाँ आने के बाद दिल्ली विधानसभा के अपने क्षेत्र अड़ाल नवाडी पे आए हैं, गांव वालों से मुलाकात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या बातें हैं। आखिर ये वर्ड कहां से आ गया कि ये छुआछूत का मामला है। यहां पर पानी की समस्या विकराल है। पानी की समस्या यहां की यहां ही नहीं, यहां हर विधानसभा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। और मैं बता देता हूँ कि कुछ जगह में ऐसे हैं कि अभी भी पानी नदियों से कई किलोमीटर से चलकर नदियों से लाया जाता है पानी, महिलाएं कष्ट सहती है। लेकिन पानी बचाने के लिए आज तक क्या किया है सरकार ने, और लोग भी आखिर जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं पानी को बचाने को लेकर। यहाँ के लोगों से भी आप सुने कि क्या है यहाँ का पूरा मांजरा, तो आज हम पूरा मांजरा यहाँ का हम दिखाएं। आज ये पहुँचल है एखन कोहित को शर्म लगेगा, यहाँ जो कोहित को शर्म लगेगा कि नवाडी गांव आज ऐसा किनारे आज कम से कम बाप आजा दादा ले सदियों पीढ़ी दर पीढ़ी शांति रूप माने सब रहते काकरो संगे कोनो जाति भेद न मत भेद कोनो नहीं रहे और एखनो नहीं खे। लेकिन एक जबरदस्ती कोनो षड्यंत्र को तहत गाँव टके बदनाम करे खातिर एकदम किना को से लागे पड़ी रहा। मौके तो लगे ये कोनो राजनीति है कोनो षड्यंत्र है। वीडियो साहब पासे हाथ उदी नखरे के बेटी तो लगे पूछ ले कि भाई तो किना बात तो करे साफ कहला एखन पासे हाथ हमरे कोनो नहीं जानियो तोरे डेचकीटी भाग तोरे के फोटो कर जा ये बात एकरे कहला दिन आगुलो एखन बाहर जा के हमरे नवादी कर गांव कर लोग के कहते तो शर्म लगे किना तोहर यहाँ पानी पीन दिहन ना किना तोहरे तकलीफ हन आपस में मतभेद हन। तो एखन सबले बड़े बात जे हेले जे कारण हेले लेकिन हमरा के सबके मिली मशी के रह दरकार है। आज एखन जितना जे मैं स्पष्ट कह चाहन इटा के रागा बहन चाहे के को तकलीफ हतन जितना बाहर को लगा वाला सब है कि हमर जे तो दूरी रहे जे तो समांतर पासे रहियो सेटा धीरे धीरे सब दूर लग गए। तेरे माना चाहे ना माना कल के हमरे एक संगे बसे खाइत रह ए बार हमरे कहब कि ना मैं सब कह कुर्सी बसा के खवा लो कहिया तोरे भूमि बसा के खवा लो
কেউ একটা কাল করে বেয়ান হবে ইউটিউব মানে দেখল কি আমরা গোহালে বসা করতাম একটা নেতা করছে বাইরে নেতা সুরেশ বাবু সেই পানি পঞ্চায়েত থেকে আমি যেত প্রতিনিধি আমরা ভুলে যাই রে পানি পঞ্চায়েত যেটা চালা রে আমরা শুনি রে জানি রে আমরা পানি পঞ্চায়েত মানে মিটিং যাই রে ওই চিজটা আমরা ভুলে গেলি আর এই চিজটা যদি আমরা এমনি ভুলতি তো আজ এই সমস্যাটা নিয়ে হতো ভগবান কে সবকে মানে হতো হ্যাঁ না তাকর বাদে যে পানি করে হয়ে গেল এটা সব একারা কর রুচি পুচি হয়ে সব করা কর ইহাকে আমরা সবদিন ওকে পানি দেলে ইহান উঠাইতে আর সবদিন পানি দিহন কবো হর বদনাম নি করি যতনা যে লহরা যাতে হয় সব করাকে লেকিন মোটে আমরা কে বদনাম করি গায়ে গেল সবে কাহ কি সব কাহ বুঝি হল আর মহাদেব কো সহি সব কাহ সেবা করবে তো সব কর আচ্ছা হতে আর গাঁও আচ্ছা হতে সব কর আচ্ছা হতে আর মহাদেব কাহে কি আমরা পিপর ডাড়ি নে সবদিন লেগি হল পানি হন তো একদিন কে সবে কে আপন আপন জায়গা মানে বেড় ঘুরাতে ইয়া করতা তো আমার আমরো এসনে তকলিফ হতে যখন এখন এলেন তে সব এ টলাটা হ্যাঁ না আমার ই লাইট করি ইয়া হই না পানি করা হই ই টলাটা একদিন কে তো ঘুরা এক মানে রবে করতা ভাই আপন আপন এতনা দিন তো পিলি হ দেখুন আওয়াল হয় সেই ইহা তাক মানে আমরাও পানি কর খদিয়া পানি কর আমরা করো তকলিফে আহি যখন আমরা গুতন চাটানি আই তো চাটানি তো আমরা গুয়া বাহারাবে নি করে গিলা এটু শূন্য দেনা এ ছোট ভাই লোক থোড়া এক রো যখন রোড তা আমার ধার পাশে আই উধর লে যখন নালি বনি কি আউলে নালি বনি কি আউলে তো আমার ঘর কর সামনে মানে ছড়াই গেলে ছড়া হ্যাঁ ছড়াই গেলে তো ও পানিটা মতলব আমার হুয়া যখন কি না ঘর আনগাই যখন সামা হেগলা হুয়া কা তো ও নালিটা যখন নিকলো না চাই আর ও রোডটা আমার বন্যা চাই কেন এখন এখন বর্ষা দিন কর আমার পৌঁছি গেলে ন এখন আমার গাড়ি চলা কিনা পৈদল চলা আমার মুশকিল হয়ে যাতে আমার উঠে তো সে নিয়ে আর রোডটা আমার বন্যা চাই আর পানি করো যেসন আমার সুবিধা হওয়া চাই আর যেসন ঘর কর আমার ঘর কর যেগুলা যেগুলো এখান সেখান সব কর ঘরটা হওয়া চাই ওটাই আমরা সবকে মানে ইতনা কহনা চাহতি হুম কি আমার গাঁ কে যে স্কুল বিদ্যার্থী হ্যাঁ ছোটে বড়ে সব কই পানি কে লিয়ে তড়প রে পানি কা তো সুবিধা হো হি গিয়া পর অভি স্কুল মে বাউন্ডারি নেই হ্যাঁ বাচ্চা বহুত ইধর উধর যা রে হ্যাঁ মাস্টার লোক সম্ভাল নেই পা রে হ্যাঁ বাচ্চা কাহা পেড় মে যা রে হ্যাঁ কাহা ইধর উধর যা রে হ্যাঁ পিছলে সাল মেরা হি বাচ্চা কা হাত টুট গিয়া থা স্কুল সে বাহার যাকে পেড় চড় কে ওর ইতনা করনা চাহতি হুম কি আনে ওয়ালা বাচ্চা মেরা কা তো হো হি গিয়া ক্ষতি হো গিয়া অভি তো ঠিক হুয়া হ্যায় লেকিন আনে ওয়ালা কল কা বাচ্চা ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग का स्कूल का समिति जो है थोड़ा टाइट से रहिए और स्कूल को अच्छा से चलाइए और बच्चा लोग का थोड़ा ध्यान दीजिए स्कूल में पढ़ाई लिखाई का और सुरक्षित रहने का और पानी के लिए इधर उधर बोतल लेके कुआं तालाब चपाकल ऐसा नहीं जाना चाहिए एखन हमर गाँव में पानी और सड़क के समस्या बहुत बेसी है सुने दे सबका कर है পানি কর হর ঘর মানে পানি কর সমস্যা হয় আর সড়ক হিন্দে হিন্দে চলে কর তা কর সমস্যা হয় আর এসন স্কুল কেরে বাত হলে তো স্কুলে তো টিচার নে খত ভরপুর শিক্ষক নে খত পড়াবে তিন গাদ তিন চারটা তোরা কিনে কত না কে ওরা ইহা করে পারবে তত না কইজন এখন বানি সমাপ্ত উঠে আমরে বসি যাই ইটা মানে আমরেকের যে নাওয়াডি গাঁও আজ শিলি প্রখণ্ডকে রাহে এই গাঁওটা একটা পেয়জল ব্যবস্থা করে লে কখন মানে কুচ ইয়া ভেদভাব কের যে ইহা লাগল ইলজাম লাগল আজ আমরেকে পুরা শিলি বিধানসভা আমরে পঞ্চায়েতে কা পুরা বিধানসভা পুরা রাঁচি জেলা মহান আমরেকের একটা অভাব ফৈলি গেল একটা ঝুটমুটকের একটা ভেদভাবকের যেটাতে আমরাকে কুর্মি সমাজ এটা বদনাম হলো একটা সামাজিক রূপ মান মুন্ডা সমাজও বদনাম হলেন একটা উঁচা মতলব একটা জাতিভেদ একটা পয়দা হয়ে গেল হিয়া আর পুরা দুনিয়া এটাকে দেখে লাগলো কি ভাই নাওয়াডি গাঁও মান এসন হয়ে লাগিয়ে ছোটে জাতের বটে জাতকে আর ই পানি দেখা
जहाँ तक पानी का समस्या है तो हर गांव महान है। रौद मास के ईटा धूप के महीना है के बैसाख जेठ महान ई जून जुलाई महान पूरा हर जगह तो हमारे पेपर देखे पाइल हैं कि हर गांव महान कोनो टोला है जहाँ चाटाई ना है जहाँ पानी नहीं निकले ला कुआँ महान या कुआँ महान स्रोत नखे उ जगह गिला जल संकट के एक समस्या है। रोज देखे पाइल कल हमारे उठिन यूट्यूब महान देख लिया प्रमुदाक महान ऐसा समस्या रहे वहाँ करीब 2 किलोमीटर दूर जाके और पानी आने ला बेटी बहन चौका महान हो जमदागो तो ये सब होते है ये सब लेकिन इसका कर हमारे कर स्थायी समाधान इटा कर होना चाहिए। हर टोला माने पानी के व्यवस्था होना चाहिए। उठकते हैं स्पेशल पेयजल कूपो उगला को हमारे के ध्यान देना है। मनरेगा योजना लेकर जैसे कुआँ होला तो उगलो एखन छोटे आकार के बने ला हमारे चाहिए तो उगलो आमने सामने बढ़िया से खोदी कौन उगला है पानी निकला एखन पेयजल सिंचाई कूप के यहाँ कर भी सिंचाईयो कर भी कर पेयजल कूप के यहाँ कर पारा आर पंचायत को एक तो ध्यान दे हो कम से कम धूप के सीजन गिला है कि भाई कौन टोला है कहाँ आवश्यकता है कहाँ चापाकल बगड़िया है कहाँ जल मीनार खराब है इस सब ले यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के ध्यान देना चाहिए। एक बार क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए और उगला के समाधान करे कर कोशिश करना चाहिए। मौके तो जहाँ तक लगे एवरे यहाँ के जो समस्या है हमारे पूरा पंचायत ता है बहुत एखन बता लें हम नावटी गाँव मान के हर टोला मान जल संकट आए इस सब लगे समाधान होना चाहिए। चापाकल बोरिंग के माध्यम से हो चाहे कुआ के माध्यम से हो और जैसन रोडटा एखन हमारे पूर्व बक्तारा बता लें जैसन हमारे चांगड़ू लेके चांगड़ू ले हमारे आईले तो बहुत दिक्कत है आड़ाल नावडी तक एकदम इतना खराब है रोडटा। तो हम लोग जल की जो समस्या है महिला लोग सब आए हुए हैं जिला परिषद हम लोग का मुखिया जी आप लोग जिस रास्ता से गुजरते हैं जहाँ पर 2 वार्ड के लोग पानी पीते हैं जब भी आते हैं वहाँ 5 आदमी खड़ा रहते हैं आप लोग देखते हैं वहाँ उन लोग भी देख रहे हैं। आप लोग जब आइएगा आप इन लोग का गाड़ी रोक दीजिएगा जब तक पानी नहीं बनेगा इन लोग का गाड़ी रोकाएगा। हम लोग बोल देते हैं आप लोग बोलिए आप लोग क्यों नहीं बोलिएगा आपका प्रतिनिधि है घर जो भी है वो नल बनना चाहिए और हम लोग पंचायत में लिख के डीप बोरिंग के लिए जगह भी वहाँ पर 4 डिसमिल उसी जगह पर 4 डिसमिल गैरमजरुआ जमीन पर स्वीकृति करके जल सैया के माध्यम से हम लोग उसको स्वीकृति दिए हैं जमीन का भी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात हमारी जो मीडिया के माध्यम से यहाँ पर जल संकट को एक जाति संकट माना गया हम चैनल वाला को भूरी भूरी निंदा करते हैं विभिन्न चैनलों की एक छोटी सी बात को एक 2 आदमी के बात को पूरा एक जाति बदलाया उसके लिए हम निंदा करते हैं बहुत बहुत बुरी बुरी निंदा करते हैं और हम सबसे आग्रह करते हैं सब यहाँ पर जैसे समरसता बना के हम लोग रहते आए हैं और ऐसा ही रहेंगे यही मेरा कहना है बस। हमरा के पानी के समस्या है नहीं और ठीक है पानी के कैसा समस्या है सरकारी कुआ है ना 2-3 सरकारी कुआ है और एक छोटे मोटे डाड़ी है तो उगला जैसा कि पानी सूखे लगला है एक डोले पानी बेसी नहीं उठेला अखन पूरा खिदर खिदर कादो कादो है तो हमरा अहटा यूज करियोला और आरो हमरा के समस्या किना है जैसा एक डोभा है 5 छुआ तो अटे हमरा मुखिया दीदी है जहा तो वो डोभा था ना मुखिया के जमीन महने है तो मुखिया के हमरा कही गला कि डोभाटा हमरा के बड़ा कर दो है ना बड़ा कर दो ओकरे जाएगा के तो बड़े कर दे जैसे कि आजकल रौद दिन गोरु काड़ा सब केर मानुष के नहाई धोए पिए खाइले दिक्कत है ला तो उठा जैसे हमारे को बड़े कर दो और दाढ़ी तो ठीक है उठा एखन जितने पानी है उठे नहा धोए कर सब समस्या ठीक है तो हमारा हटाई कही होला और जैसे रोड टैग बार कही होला एखन तो रौद दिन जैसने है गाड़ी घोड़ा आईला और पानी दिन है ना कि कोनो के रोगी दुखी है जातला तो गाड़ी वाला के कहन कि चलो हमरे घर तो दिक्कत है तो गता टेम्पो ले कहबन कि ना से नहीं तोरा रोड टे कोन दे कोन गाना दुलमिडी रोड टा जे दमे खराब है कैसे उठो हुआ दम गाड़ी हिलेला कहता है टुपर हैला कादा कीचड़ है कैसे उठो असन कर के हमरा कर तो समस्या है ले हटा रक्त को कर देबे है ना रह गाड़ी कुआ बांध गिला के तो हटा कर देबे और मुखिया के तो हमरा हटाई कह गला कि ओकरे जाएगा है वो बड़े कर दक्का अरे बस अटाई कह जाएगा।
पानी के तकलीफ है डुबले और रास्ता घाट के हमारे तकलीफ है। डॉक्टर उठेला नहीं है, समय रखी तो जाएला नहीं है, रास्ता खराब है तो हरे के और पानी के हमारे समस्या है। सब लोग तो जैसे हमारे पानी के तकलीफ है अरे हमारे कोई जाए लेके हमारे पानी खदुआली हेलो नहीं निकल गुटा तो जैसा हमारे घर बड़े बड़े कर दो उनका बड़े बोरिंग जैसा पानी निकलो का पानी के सुविधा और हमारे रास्ता घाट के सुविधा कर दो। हमारे गाँव में जो हमारे अड़ाल नवाडी ग्राम में जो भी समस्या जल की आई है ये हम तीन चार दिन से हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं इसका समाधान करने का। पेयजल से भी हमारे पेयजल विभाग से भी कुछ लोग आए हुए थे, हम लोग जल सहिया को बोल दिए थे कि सबको लेकर सारे टोला टोला जाकर जगह देखकर ये कर लीजिएगा। और रहा बात जात पात का तो जात पात तो बहुत पुराने ज़माने में होता था हमारे दादा दादी लोग के ज़माने में। और ग्रामीण जनता सभी को मेरा जोहार। लगातार हम लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और जो मूलतः समस्या जो हम लोग देख रहे हैं कि पानी की समस्या ही सामने आ रही है और उसके साथ में और भी समस्याएं हैं लेकिन पानी की समस्या को लेकर के एक बहुत दिनों से हम लोग 10 दिनों से लगभग प्रयासरत रहे हैं। और यहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है उसको भी नज़र हम लोग रख रहे हैं क्योंकि ये जगह जो है चट्टानी जगह है, चट्टान जगह है, टोला का नाम भी चट्टानी टोला है, तो ऐसे जगहों में पानी की समस्या होती है। और इस जगह को छोड़ दें तो आप प्लेन जगह में भी सिल्ली जैसे जगह में अन्य जगहों में पानी की समस्या केवल सिल्ली ही नहीं पूरे रांची में और भी क्षेत्रों में है। और सिल्ली को भी ड्राई जोन में रखा गया है। पिछले कुछ दिनों पहले हम लोग सर्वे देख रहे थे पूरे झारखंड का, तो सिल्ली भी पूरे झारखंड में ड्राई जोन में ऊपर में है, ड्राई जोन है। यहाँ पर ड्राई जोन मतलब सूखा जगह है, यहाँ पर पानी का स्तर बहुत नीचे है। तो जो ये हम लोग पुराने समय पढ़े हुए थे, एक वैज्ञानिक बोले थे कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा ना पानी को लेकर के होगा, है ना। और हम लोग अंचल में देख भी रहे हैं, अंचल में आजकल जमीन की समस्या जो आती है, जमीन की समस्या जो आ रही है, भाई भाई में जो समस्या आ रही है, आधा से ज़्यादा पानी को लेकर के होता है, कुआं को लेकर के बहुत समस्या होती है, भाई भाई में होती है। फिर तो समाज में ये बात होना कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन बस यही बात थी कि वो पानी की समस्या सही जगह अगर वो पहुंचता समस्या तो उसका निदान शायद पहले हो जाता और जो ये कंफ्यूजन और जो शंका वाली बात भी ये सब नहीं होती। लेकिन प्रशासन की ओर से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैंने हम लोग प्रयास भी करते हैं कि अगर कुछ समस्या आती है इस तरह की पानी की या फिर कोई भी पेंशन की राशन की तो इसको प्राथमिकता से हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको नहीं देख पाते हैं, हम लोग अपने विभाग के द्वारा भी पीएचडी विभाग भी सर्वे कर ही रहा है और पानी के का सर्वे हो चुका है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पानी का काम नहीं होने वाला है, थोड़ा बाद में होता लेकिन अब वो काम पहले हो रहा है और मेल जोल से रहना है क्योंकि गांव की समस्या को गांव में ही हल करना है। पंचायत से बढ़कर के और कोई कोर्ट नहीं होता है, पंचायत से बढ़कर के कोई अदालत नहीं होता है, ग्राम सभा से बढ़कर के कोई सभा नहीं होती है। ग्राम पंचायत में लिखित में दीजिए, नहीं होता है तो प्रखंड में लिखित में दीजिए। क्षेत्र में बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, आपके जिला परिषद मैडम भी इसी क्षेत्र की है, वो बहुत प्राथमिकता से सारी समस्याओं को देखती है। और जिस तरह से पेंशन को हम लोग मिल करके निदान किए हैं, पेंशन की समस्या का, बाकी समस्याओं का निदान भी हम लोग मिल करके करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बुद्धिजीवी मंच के जो हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं इनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुरू में मेरे पास आए, बोले कि सर पेंशन जो हम दिए हैं 100 बार दे चुके हैं, नहीं हुआ था, इसी शब्द में इन्होंने कहा था कि 100 बार दे चुके हैं, नहीं हुआ। हम बोले 101वां बार दीजिए, इस बार नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, और फिर उसके बाद हुआ होगा, ठीक है। तो 100 बार जब पेंशन का आवेदन दे सकते हैं तो पानी के लिए भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देते तो जरूर काम हो जाता। खैर कोई बात नहीं, अभी देर हुआ है, देर आए दुरुस्त आए कहा जाता है। आज अड़ाल नवाडी में बैठक, नवाडी के एक ग्राम सभा का आयोजन हम लोग ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में किए और गांव के विशेष समस्याओं पर चर्चा हुआ, गांव में गांव के रोड के बारे, जल के बारे या फिर जो भयावह स्थिति अभी कुछ राजनीतिक विषय बनाया गया था, इन सभी विषयों पर चर्चा हुआ। सामूहिक रूप से गांव के विकास के बेसिक डेवलपमेंट के मानकों पर सभी लोगों ने चर्चा किया है और उससे इतर अब गांव के जो डेवलपमेंट का मानक के ऊपर प्रायोजित रूप से पंचायत जो हमारा है वो काम प्रारंभ करे, मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, चूँकि एकरूपता के अभाव में थोड़ा काम बाधित था, उनको एकताबद्ध रूप से काम करेंगे। यहाँ से नवाडी तक का रोड का टेंडर हो चुका है, करीब 2.5 करोड़ की लागत से
एक जो बाईपास रोड है, ऐसे नवाड़ी तक का पक्का रोड है लेकिन बाईपास रोड है, उसका भी सुकृत हो चुका है, टेंडर हो चुका है। जैसे ही टेंडर का निष्पादन होगा रोड का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। अड़ाल नवाड़ी में खास पानी की समस्या को लेकर, ये पूरे सिल्ली की समस्या है। सिल्ली हम लोग का ड्राई जोन में आता है, जो विशेषज्ञ हैं उनका ही एक रिपोर्ट है कि रांची जिला के अंदर ड्राई जोन में पूरा हमारा सिल्ली है, इसीलिए उसके वैकल्पिक कार्यक्रम सिल्ली के अंदर में चलाना चाहिए। और हम सभी लोगों ने जल पंचायत करके ये कहा, अपना कार्यक्रम उन सभी लोग गांव के अंदर पानी पर चर्चा करने के लिए कहा है। जैसे ही जल नल योजना प्रारंभ होगा यहाँ पर भी, इस पंचायत के लिए भी 8 करोड़ से अधिक की लागत से पंचायत प्रारंभ होगा, लेकिन भूगर्भ जल के माध्यम से हम कितना देर तक लोगों को पानी उपलब्ध करा सकते हैं, ये बड़ा चुनौती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ जल के स्तर को बनाए रखने का प्लान हम लोग को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, चिंता वहाँ करनी चाहिए। हम लोग एक ग्राम सभा के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट भी तैयार करवा रहे हैं। यहाँ पर आए हुए हैं आप, ये बताइए कि कितने डीप बोरिंग यहाँ पर कराया जा रहा है? यहाँ पर योजना हम लोग का 70 स्कीम है, 70 स्कीम यहाँ करना है पूरा पंचायत, इस पूरे पंचायत में। और यहाँ की गंभीर पानी की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने काम प्रारंभ करा दिया है। और हमको लगता है कि पानी की समस्या से हम लोग निजात जल नहीं पा रहे हैं। जल नल योजना इस पंचायत में अभी चालू नहीं हुई है? नहीं, अभी इसकी स्वीकृति हम लोग कर रहे हैं, मतलब टेंडर इसका हो चुका है, टेंडर इसका हो गया है। अभी बहुत आपात स्थिति में इसको, मशीन को हमको अभी लगवा करके इसको। आपात स्थिति में कितने मशीन अभी लगे हैं यहाँ पर, कितने डीप बोरिंग हुए हैं? अभी तो शुरू किए हैं, अभी एक दो प्रारंभ किए हैं, दो बोर हमारा जो है ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर समस्या क्या, आपको कुछ समस्या आ रही है? क्योंकि ड्राई जोन है अभी, इस पर ड्राई जोन में थोड़ा चुनौती तो है, चुनौती है, लेकिन आप चुनौती पर खड़े उतरेंगे? हाँ, चुनौती है, लेकिन फिर भी हम लोग ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि हर घर में जल नल पहुँचा। क्या नाम है? भूपेंद्र कुमार सिंह। क्या पोस्ट में? सहायक मंत्री।